तीन बार सिंदूर किया है, एक मंदिर में सिंदूर किया है, एक धोखा से सिंदूर किया है, एक मंदिर सूरत मंदिर में शादी भी किया है। तीन बार सिंदूर किया है, तीन बार महादेव है, हम अर्जन है, वो हम अर्जन ऐसे ही चमार मतलब के वादो है। तो बोल रहा है लोग कि जे चमार की लड़की हम लोग नहीं रखेंगे, दूसरा कास्ट का लड़की तो हम रख लेते। तो फिर चमार की लड़की से लेके गया क्यों, शादी क्यों किया, प्यार क्यों किया चमार की लड़की से, चार साल से चमार नहीं हम थे, और चमार हम नहीं था। उनका बहन तो सब कराई, उसके घर पे भी हम जाते थे भेंट करने, उसके घर पे सब कोई जानता था। अभी हम मौजूद है मलाई थाना क्षेत्र में और हमारे साथ एक महिला है, और आपको बता दें इनके साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक लड़का है जो इनको इनसे शादी किया, प्रेम प्रसंग का भी मैटर है, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? माधुरी कुमारी। क्या कुछ हुआ आपके साथ? देखिए नाना क्या तो से हम बात करते थे, हम मतलब पढ़ने जाते थे, तो अभी आठवां क्लास में थे तभी से वो हमको नंबर दिया। तीन चार साल हम बात किए, उसके बाद मतलब कि मेरा शादी माँ बाप सेट कर दिया। तो वो आया बोला कि हम तुम्ही से शादी करेंगे, तो हम बोले कि नहीं मेरा शादी सेट उठ हो गया है, हम नहीं करेंगे। तो बोले कि तुमको उठवा लेंगे, बाइक को घेर लेता था, अब ले गया शादी भी किया, और बोला तुम कौन हो, हम तुमको नहीं रखेंगे। अब बोल नहीं रखेंगे, हम तुमसे शादी ही नहीं किए, हम तुमको लेके गईबे नहीं किए थे, सब मेरे पास सबूत है, अब बोले हम रखबे नहीं करेंगे। और मतलब आपका शादी तय हो गया था तो बोला कि हम उठा ले जाएंगे, उठवा ले जाएंगे। हम देरा में खड़े कटने जाते थे, वहाँ पे भी चला जाता था, चार चक्कर लेके गए थे उठवाने के लिए, वहाँ पे जाते थे, स्कूटी चलाते थे, वहाँ पे पढ़ने जाते थे, वहाँ पे भी बाइक के चाबी छीन लेता था कि नहीं बात करोगे तुमको उठवा लेंगे, तुम्हारे बारात के दिन एक बंदूक लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और धमकी, जैसे लड़का से मेरा शादी लगा था, उस लड़का को ठोकर मार दिया था, मेरा फोटो दिखा दिया था, मेरा रिकॉर्ड सुना दिया था, हर जगह से शादी काट देता था। उसके बाद मतलब कि भेंट टूट भी किया था हमसे बहुत बार, तीन साल में बहुत बार भेंट किया, सब लेके गया शादी किया, और बोला कि हम तुमको रखबे ही नहीं करेंगे। और चार साल से बात करता था, उसका घर के लोग सब कोई जानता था कि बात क्यों बात करते थे उससे, हम तो प्यार करते थे उनसे, वो भी करता था, लेकिन पांच महीना जेल में था, हम कमा उमा का सब लेके देते थे उसको। बोला कि तुमको रखेंगे, चार महीने तुम्हारे लिए जेल खटे हैं, अब बोला कि तुम कौन हो, हम तुमको जानबे नहीं करते हैं, जेल से माँ छोड़ा दी। बोला कि हम तुमको रखेंगे मधु, तू केस सुलह करवा दो मम्मी से, हमको छोड़वा दो, हम तुमको रखेंगे। अब बोला कि हम तुमको रखबे नहीं करेंगे, हम लेके गईबे नहीं किए थे। आ जेल में हम पांच महीने में 15 बार गए हैं भेंट करने। कब शादी हुआ हम मतलब की तीसरे महीने में हुआ, कौन सा, यही 2023 में, 2023 में तीसरा महीने में। हाँ तीसरा महीना में। कितने दिन बाद छोड़ दिया? कितना दिन बाद, तो मतलब कि एक महीना साथ में रखा, उसके बाद माँ मेरे केस की मतलब पैसे से दिया गया था दहेज, तो केस की माँ, तो हम घर आए तो जेल गया, हम अपने घर आए तो बोला फोन करके कि तुम छुड़वाओ हमको, हम तुमको रखेंगे। उसके बाद हम छुड़वा दिए, केस वाला करवा दिए, और बोला कि हम तुमको रखबे नहीं करेंगे। शादी के लिए आप राजी हुई होंगी? हाँ तो हम वो भी राजी था, तो हम भी जो माँ शादी कर रही थी वहाँ पे, हाँ हम भी मतलब कि शादी के लिए तैयार थे। बोले कि चलो मतलब बात किए, तो वो खाली धमकी देता था, फोन छीन लेता था, बाइक छीन लेता था कि तुम नहीं बोलती कि ना हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर वो धमकी ना देता था कि जब तुमको उठवा लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो हम क्या करे, डेरा के आदमी शादी कर लिया। मतलब बोला हम भी प्रेम करते थे उनसे, ऐसा बात नहीं कि नहीं करते थे, वो भी करता था, पता नहीं उसके साला तेरा मन में का दिमाग में है कि साफा न कब तुमको लेके गईबे नहीं किए थे। मेरे पास सब कुछ है, टिकट का भी फोटो है, उसका भी नाम है टिकट पे, मेरा भी नाम है। अच्छा तो शादी के लिए आपके घर से वो बुला कर ले गया? बगल से चार चक्कर लेके आया था, वहाँ से लेके गए। हाँ वो बुलाया कि आओ हम तुमको ले चलते हैं, तो बोलो भेंट करने, मतलब कि हमको बुलाया शाम के 7 बजे 11 तारीख को, तो हम गए भेंट करने उसे। तो वो सिंदूर लिया था, तो मेरे मांग में भर दिया, तो बोले कि तुम क्या लगाई हो, तो हम बोले कहाँ कुछ लगा हुआ है, तो अंधेरा मेरे मतलब मनाई दिखा। हम अपने घर पे आए तो देखे, तो बोला कि जाओ, हम तो हम फोन करके पूछे, तो बोला कि जाओ तुम्हारे तो मांग भर दिए, तुमसे शादी हम कर लिए, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अगर चलना है तो मेरे साथ चलो। तो हम बोले ठीक है आओ चलते हैं, तो वो भी आया, राजी से आया, चार चक्का लेके आया, लेके गया नरकटियागंज, नरकटियागंज से फिर लेके गया सूरत, शादी भी किया, एक महीना साथ में भी रखा। कहाँ पे फिर दोबारा आपका शादी हुआ? नहीं वही मतलब कि लेके गया तब यही है, बोल रही थी कि सूरत में शादी हुआ, तो सूरते में ना शादी हुआ, तीन बार मांग भरा है वही, तीन बार सिंदूर किया है, मंदिर में सिंदूर किया है, एक धोखा से सिंदूर किया है, एक मंदिर सूरत मंदिर में शादी भी किया है, तीन बार सिंदूर किया है, तीन बार मांग भरा है मेरा। और इतना ना मतलब कि बोलता था कि तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, पता नहीं साला को मन में का आया, बोले हम तुमको जानबे ही नहीं करते। उस दिन कोर्ट में से मतलब तारीख पे आया था, तो हम गए थे कोर्ट में, मेरा गवाही था, तो हम गवाही नहीं दिए, तो उसको पकड़ के लाए यहाँ पे, पकड़ के लाए तो उसको गामछा में बांध के लाए, तो मुखिया सरपंच सब कोई बैठा, तो बोला कि तुम कौन हो, तुमको पहचान भी नहीं करते हैं, तुमसे शादी नहीं की, तुमको नहीं लेके गए थे, तो जब नहीं लेके गया था जेल क्यों गया था, ऐसे ही जेल गया था, जब नहीं लेके गया था तभी ना जेल गया था। तो फिर जेल से मतलब कि छूट कर आया, बोला हम तुमको रखबे नहीं करेंगे, जानबे नहीं करते हैं। अच्छा क्या लगता है आप भी गलती की है उसकी, जिसकी सजा भुगत रही है?
तो गलती किए हैं तो ठीक है, तो इसका मतलब वही नहीं ना, तो उसका भी तो गलती है। अगर हम बोलते कि चलो तो उसका मन नहीं रहता तो नहीं बोलता कि हम नहीं जाएंगे, तुमको लेके नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हम मतलब कि तुम जहाँ शादी कर रहे हो कर लो, उस लड़का से भी फोटो। घर के लोग क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि हम रखवे नहीं करेंगे। सब कोई बोला हम नहीं रखेंगे, लड़का इनकार नहीं था, उनका बहन तो सब कराई, उसके घर पे भी हम जाते थे भेंट करने, उसके घर पे सब कोई जानता था, बोला कि मेरे बेटे से शादी कर हम रखेंगे। अब जात पात देख रहा है कि तुम काहे शादी की, हम नहीं रखेंगे, पति पर छांट। कौन जाता है वो? कौन जाता है? वो यादव है, हम हरजन है, वो हम हरजन ऐसे ही चमार मतलब के वादो है। तो बोल रहा है लोग कि जे चमार की लड़की हम लोग नहीं रखेंगे, दूसरा कास्ट की रहती तो हम रख लेते। तो फिर चमार की लड़की से लेके गया क्यों, शादी क्यों किया, प्यार क्यों किया चमार की लड़की से? 4 साल से चमार नहीं हम थे, अब चमार हम हैं। अब बोला कि तुम चमार हम नहीं। देखिए कहीं ना कहीं इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा पुलिस प्रशासन क्या बोल रहा है? पुलिस प्रशासन उनके ही मतलब पक्ष में है, पैसा वैसा दिया है, 5 लाख रुपए बड़ा बाबू के दिए है लो, उसी के पक्ष में बोल रहा है। बोला कि तुम जाओ महिला थाना में, वहाँ पर केस करो। तो हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो महिला थाना में काम पटना तक ले जाएंगे, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ लेकर ही छोड़िए, इंसाफ लेकर ही छोड़ेंगे, हमारा जिंदगी बर्बाद हुआ है, उसका भी जिंदगी बर्बाद करके रहेंगे। तिलक दहल बाज गइल बा, हाँ तिलक दहल बाज गइल बा। देखिए माँ है इनकी जी, साटा सूटी पूरा नाच के बाजा के टेंट के पूरा साटा सूटी करके रख ले बनी, 20 दिन ब्याह रहे तो लेकर चल गई बड़े ठीक बा, लेकर सूरज शादी होने का था ना, 20 दिन शादी रहे तो 22-5 के हम 11-3 को मतलब तीसरा महीना में गए, 22-5 को शादी था। ओकरा बाद में हम 1 लाख दहेज दे देनी, ओकरा बाद सब सटा सुटी बांध लेनी, ओकरा बाद में ही मतलब जनी बाला फुसला के लड़की के लगे चल गए। अच्छा रउवा मालूम रहे और बेटी उनका से बात कर ली? ना हमरा ना मालूम रहे, ना मालूम ना हमरा से नहीं बताइले रहली, हमरा नहीं बताइले रहली। अच्छा आपको भी नहीं बताई थी जिसकी सजा भुगत रही है? हाँ हाँ हमसे नहीं बताई रहती तो आप सही मार्गदर्शन देती इनको। हम थाना पर जाकर हम केस करती, हम छोड़ती का चाका चार गाड़ी लेके जाते रहे, तब की घेर लेवे चाबी निकाल लेवे, रमसिरिया चौक पर खड़ाई काटे गए रहे। आप लोग कुछ नहीं कर सके? हम कुछ नहीं जानता नहीं। जब घर से निकल गए, शादी होती सब मैंने जाकर सेट उठ लेके आई रहे, लड़का लड़की सब देखा के पसंद से 8-10 हजार रुपया खिया पिया मौजे लागल, सब बर्बाद हम कर दिले बानी, सब सब हम कर दिले।